हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं मून और शनि की प्लेसमेंट के बारे में कि चंद्र और शनि यानी सैटर्न अगर आपके बर्थ चार्ट के सिक्स्थ हाउस में होते हैं, मून चार्ट में, लगन चार्ट में, चलित चार्ट में, तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। सिक्स्थ हाउस का संबंध एडिक्शन से है, सिक्स हाउस का संबंध एलिगेशन से है, सिक्स हाउस का संबंध कोर्ट केसेस से है, सिक्स हाउस का संबंध कर्जे से है। सिक्स हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके एनिमीज को, सिक्स हाउस का संबंध वॉर से है, लड़ाई से है, झगड़े से है, हर चीज से है। ऐसी सारी चीजें जिनको आप जीवन में देखना पसंद नहीं करते हैं, वो सारा सिक्स हाउस है। मून यानी आपका माइंड, आपका इमोशन, शनि यानी आपका कर्म, आपका फियर, और शनि और मून का योग यानी विश योग अगर आपके बर्थ चार्ट के सिक्स हाउस में बन जाता है तो शत्रु को लेके और बीमारी को लेके आप बहुत ज्यादा फियरफुल होते हैं। ऐसे में जो भी आप खाना वाना खाते हैं उनसे भी कई बार प्रॉब्लम होती है कि आपने कुछ गलत ऐसा खा लिया कि जिसके चक्कर में आपकी बॉडी के अंदर अमल बन गया यानी जहर बन गया। ऐसा भी देखा गया है कि शनि और चंद्र का योग अगर छठे घर में होता है तो कई बार लोगों के खाने में कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि जिसके कारण उनको कई बार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान रखें और रात के टाइम तो दूध बिल्कुल भी ना पिएं या मिल्की प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट रात के टाइम आपको यूज नहीं करना है। लाइक जैसे मिल्क हो गया और कर्ड हो गया, आइसक्रीम हो गई और भी बहुत सारी चीजें जो मिल्क से बनती हैं वो आपको रात के टाइम में यूज नहीं करना है। खाना कभी भी खाएं, ताजा खाएं। और अगर मून और सैटर्न अगर सिक्स हाउस में है तो जैसे मैंने बताया कि सिक्स हाउस का संबंध एडिक्शन से है, तो ऐसे में कई बार इंसान नशे का आदि भी हो जाता है। जैसे आपका माइंड अगर सिक्स हाउस से जुड़ गया है तो सिक्स हाउस की चीजों को जब आप करते हैं तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, तो ऐसे में इंसान कई बार नशे का आदि भी हो जाता है और बाद में हो सकता है वो ठीक भी हो जाए, लेकिन नशे का आदि होना पड़ सकता है अगर आपके मून और सैटर्न की प्लेसमेंट सिक्स हाउस में है। ऐसे में कई बार कोर्ट केस का सामना भी करना पड़ता है, कई बार झूठे आरोप भी आपके ऊपर लगते हैं और कई बार सच्चे आरोप भी आपके ऊपर लग जाते हैं, यानी कुछ आपने ऐसा किया है कि जिसके कारण आपको कोर्ट केस झेलना पड़ रहा है या कोर्ट में जाना पड़ रहा है। छठे घर में मून और शनि की अगर प्लेसमेंट होती है तो शत्रु का भय बहुत ज्यादा आपके अंदर होगा, बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा डर लगेगा और हर टाइम आप ऐसा अंदर से महसूस करेंगे कि कहीं कोई मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए या कहीं मेरा शत्रु मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान ना कर दे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल सकती है। छठा घर आपका लोअर एब्स वाला पार्ट है, यानी जो लोअर एब्डोमिनल जो होता है वो आपका छठा घर है, और अगर मून और सैटर्न की प्लेसमेंट अगर छठे घर में होती है तो इंटेस्टाइन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यानी जो आपकी आते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ बीमारी या प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार पेट के अंदर दर्द भी होता है। तो ऐसे में जो भी आप खाना खाते हैं वो देख के खाएं, हार्ड चीजें और ठंडी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं, इन चीजों को अवॉइड करें और रात के टाइम मिल्की प्रोडक्ट बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है। और इसकी सिंपल रेमेडी है, मंडे वाले दिन लॉर्ड शिवा के ऊपर कच्चा मीठा दूध चढ़ाएं, ब्लैक कलर के डॉग को फीड करें, ब्लैक कलर की चींटियों को फीड करें, ब्लैक कलर की फिश को फीड करें, तो ऐसा करने से हो सकता है कि आपको छठे घर से संबंधित चीजों का बेनिफिट मिले। तो छठे घर में अगर मून और शनि की प्लेसमेंट होती है तो जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, बहस, बीमारी, कर्जा, इन सब चीजों से इंसान बहुत ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मून है, वो इन सब चीजों को पसंद नहीं करता है। और मून अगर छठे घर में है तो मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम, परेशानी, ये सारी चीजें आप जीवन में फेस कर सकते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मून और शनि के बारे में। हाँ, एक बात और कि मून और शनि अगर छठे घर में है तो कई बार मदर के साथ भी झगड़े होते हैं, यानी मदर के साथ जो आपके संबंध है वो प्रॉपर बन नहीं पाते हैं और आपकी जो मदर होंगी वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती है और उनको भी जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा जहां पर उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा।
सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मून और सैटर्न के बारे में कि मून और सैटर्न की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट के छठे घर में होती है यानी सिक्स्थ हाउस में होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सिक्स्थ हाउस के बारे में या मून और सैटर्न के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।